एक सॉरी महाराज नहीं कोई शिवम कहाँ गए? इसको माइक भी नहीं लग चला। चेक कर लेना एक एक के लिए आगे आती है। चेक कर लेना। हरि बोल। इसको माइक ऑन कर। यस मोमर कर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरि बोल गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि गौर प्रेमानंदे। देखो आप मदंग टाच किया कीर्तन में क्या गुरवी गौरचंद्राय राधिकाई तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्तायो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। फिर बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ठ मोर नाम जेल तार पुण्य क्षय मोर नाम जेल तार पाप मुईश पुरीशेर की ढईते मुई से लगी चैतन्य चैतामृत में ये प्यार खा ये दिया नहीं मोड़ाना इज कर जगाई मादाई हुई थे मुई से पापिष्ट। यहाँ पे उतार है जिन्होंने ग्रंथ लिखा है कहते हैं कि मैं इतना पापी है जगाई मादाई सबसे बड़ा पापी थे उससे भी बढ़कर और जो मेरा नाम लेते हैं और पुण्य खो है और उसको पाप और पूरी शेर की ढहते मुइला पूरी जानी जो टट्टी कीड़ा है बोले उससे भी हम नीचे यहाँ पे यही विचार है सिंह जो उन्होंने लेखा के झूठ बोल रहा है और साच भी है कि सोनिया गांधी जी बताओ
इसको कहते हैं दीनता। जब तक साधक में दीनता नहीं आएगी तो उनकी साधन भजन कुछ भी नहीं है, सब दिखावा। दीनता दीनहीन भाव, समझ में आया कि नहीं? दीनता मतलब ही तो दीनहीन भाव है। दीनहीन भाव मतलब आपने के छोटा, मैं श्रेष्ठ हूँ ये नहीं, मैं बहुत गिरे हुए। आइए महाराज जी, धन्यवाद। महाराज की जय, यही बात। तो ये चैतन्य चरितामृत इसमें दिया ही नहीं। मथुरा परिक्रमा चल रही है जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मथुरा में मथुरा देवी है, यमुना में 24 घाट है, दीर्घ विष्णु है। हरि बोल। वहाँ पे आदि वराह देव का मंदिर है, माइक काम कर लेते हैं। कंस टीला है, इसका रंग बदलता रहता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। वहाँ कोई है क्या? हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री राधे राधे। कोई है कि देख? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। रामानंद। हरि बोल। जय श्री राधे। ठीक है, कोई है वहाँ? हरि बोल। हरि बोल। कभी कम होता है, कभी बढ़ता है। हरे कृष्णा। खराब हो गया। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकदम तो ठीक चल चलिए। वो कहाँ गए? हरे कृष्ण। तो वहाँ पे चार शिव जी है, भूतेश्वर, पिपलेश्वर, गंगेश्वर। ये आज परिक्रमा कहाँ कहाँ पर है इसको ठीक कर देखना जरा क्या हो। हाँ, राते माधव महाराज ने शिष्य आचना मंदिर देखा सेटर नाम सचिन माधव शिष्य मंदिर देखा। हरि बोल। इसका आज ठीक नहीं है। तो एक छत्रपाल शिव है, धाम को रक्षा कर। हरि बोल। जय श्री राधे। हरि बोल। ये की कॉर्ड का डिस्टर्ब।
पिपलेश्वर और गोकर्ण महादेव, रंगेश्वर और बुद्धेश्वर चार सीट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बैठे धाम को रक्षा करते हैं। अम्बरीश महाराज के स्थान है। जो अम्बरीश महाराज जो भागवत में कथा है, इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, वहां उनका भी स्थान है। वो अम्बरीश महाराज की शिक्षा हमारे जीवन में उतार रहे हैं। उन्होंने हाथों से मंदिर मार्जन करना, दोनों पांव से प्रणाम करना, आंखों से भगवान के दर्शन करना, जीव से भगवान का कीर्तन करना, एकादश इंद्रियों का सब भगवान की सेवा में करना। सेवा में लगाते हम नहीं हैं, इसलिए हम दुखी होते। दुखी यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। अभी हमारे सोनिया मैडम बता रही है कि एकादशी के दिन शादी में जाना है, कि दूसरे दिन एकादशी कर ले कि नहीं कर ले, क्या विचार है? मैंने बोला ऐसा तो विधान नहीं है। फास्ट लगना है तो शादी में जाने का फायदा क्या है ना, खाना पीना नहीं। लेकिन धर्म के लिए आपको करना पड़ेगा, जीव के लालच भगवान और भगवान की परीक्षा करते हैं, परीक्षा करते हैं। धर्म रक्षा के लिए आपको जो कुछ भी करना है कर, भक्ति धर्म। तो यही ब्रजमंडल परिक्रमा में ये सब स्थान में गुरु वैष्णव लोग लेके ले जाते हैं और कथा सुनाने सुंदर सुंदर कथा है सब। दिन रात भगवान की कथा चर्चा है, इसलिए चतुर्मास व्रत इसलिए तो रखते हैं। संसार में उसमें क्या करते हैं, बैठते बैठते वहां से जड़ निकल जाता है, फिर वो टसमस नहीं हो पाता, उनका दिमाग में वही बात चलती रहती है, मेरे संसार, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, वही मेरे मेरे मेरे। तो जब 12 महीना में अगर 4 महीने साधु के संग में रहते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, तो क्या होगा, उसका जड़ धीरे धीरे कटते जाए। साधु संग का मतलब क्या, आपको संसार की आसक्ति काटे है ना, धारा अस्त्र है। तथा दुसुंग मुत्सुद्ध सत्सु सज्जन बुद्धिमान संत छिन्दंती मन वसंग। साधु संत का काम ही यही है, खुद आसक्ति नहीं रखेंगे और दूसरे को रखने नहीं देंगे। संसारी लोग क्या करेंगे, खुद आसक्ति रखते हैं, दूसरे को भी रखवाते हैं। इसलिए साधु तो जो बुद्धिमान है वो क्या करेंगे, साधु संघ में ही भगवान का नाम। अच्छा, 4 महीना भी नहीं कर पा रहे हो व्रत, नहीं साधु संघ में नहीं रह पाते, तो 1 महीना कम से कम डाल दो कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत कहते निकल नहीं। तो आजकल तो वो भी टाइम कम होगा, अभी बताया है कि केवल संडे संडे छुट्टी होती है, वो थोड़ा सा साधु के संग जाएंगे, थोड़ा संकल्प कर लेंगे, फिर वापिस जाएंगे, पहले यही बहुत है। क्योंकि ये समय का प्रभाव है, काल का प्रभाव है। पहले तो 1 आदमी कमाते थे, पूरा घर के लोग बैठ के खाते थे, अभी तो सभी लोग कमा रहे हैं, फिर समय का भेद है ना।
फिर भी जब भी मौका मिल जाना चाहिए साधु संघ हरि कथा उनके आशीर्वाद लेकर आना। संसार की मोह माया तभी काटेगा तो संभव नहीं है। तो अम्बरीश महाराज की कथा थोड़ी सी सुना है। समस्त सारे इंद्रिय सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तम पवित्र निर्मल सारे इंद्रिय इतनी पूरी पृथ्वी के राजा होते हैं उन्होंने समस्त इंद्रिय देख सका। उनकी ये ईगो नहीं था कि मैं राजा भगवान का भगवान के दास समझ करके उन्होंने राज का घर चलाया। ऐसे ही हम तब जाकर के भक्ति मिली उनको। वो कथा आप जानते हैं दुर्वासा जी आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। एकादशी द्वादशी के दिन आए आप बोलते ठीक है दर्शन दिए भाई मैं जमुना से नहा के आता अब नहाने का ये ब्रह्म हमें दीन हो गए। उनकी द्वादशी में पारण करना था निर्जल उपवास करते थे उस समय। तो उन्होंने गुरु जी को पूछा गुरु जी ने बोला ये काम करे चरणामृत एक बूंद लीजिए एक बूंद लेने से दोष नहीं लगेगा क्योंकि अतिथि देवो भव अतिथि के ना सेवा करके गृहस्थ आपने सेवा नहीं कर सकते अधर्म हो जाए। तब उन्होंने जब उन्होंने लिया मात्र तुरंत आ गए गृहस्थ मूर्ख समझ नहीं है ये नहीं है दुनियादारी ये सब बोलने लगा उसको बोलते थे जी मैं अभी टाइट कर देता हूँ जान से मार एकदम क्रोध के मूर्ति है जटा उखाड़ के मूर्ति कितना नाम में अग्नि रूप स्वरूप राक्षस। तो अम्बरीश महाराज ने उन्होंने कुछ नहीं किया सिपाही को आप मिलिटरी को नहीं बुलाया भगवान के सामने हे भगवान अगर मेरे जीवन आपकी सेवा करी है तो मैं कुछ नहीं जानता मुझे क्या गलतियाँ नहीं पता रक्षा कीजिए रक्षा भी नहीं बने आप ही की जो इच्छा है वही समझ रहे। तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र और सुदर्शन चक्र पहले कीर्तन नम असुर को मारा फिर दुर्वासा जी के पीछे अब वो भागते भागते बोले मुझे भी मार रहे उनका दोष नहीं है ना निर्दोष को सजा देने से यही फल मिले। तब उन्होंने क्या किया पहले ब्रह्मलोक फिर ब्रह्मलोक सत्यलोक में गए ब्रह्मा जी बताने ये तो प्रभु की चक्र मुझे भी विनाश कर दो। शिव जी के पास गए कैलाश में वहाँ पर निज था फिर वैकुंठ भगवान बोलते मेरे मैं भी नहीं रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि ये चक्र मेरे लिए नहीं ये भक्त के लिए और स्वतंत्र ही बोलती जो साधु विवस्त भक्तिर भक्त जन अहम भक्त अपराध और स्वतंत्र ही बोलती जो बताए बोलते मैं स्वतंत्र मैं भक्त अपराध भक्त जो करता फिर तुरंत जा करके उनका अम्बरीश महाराज के चरण में माफी मांगे फिर उसके बाद इसलिए ऐसे अम्बरीश महाराज के चरित्र यहाँ वर्णन किया हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति भाव स्वभाव हो ये प्रार्थना करके महाराज का हाथ में पंचाकल्पतो उद्दानं पापो भो अम्बरीश महाराज की महाराज शुद्ध भक्त की जय 108 से श्री भक्ति वेदांत शांत महाराज की जय गौर 1008 सिद्धर महाराज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रियं कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्रूपाय नमो नमः। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो केवल ही मथुरा धाम और कोई धाम नहीं, कोई धाम नहीं। इसलिए ये मथुरा की एक विशेषता है। इसलिए ये कहते हैं मथुरा नहीं, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये मथुरा है, ये मीठा है पूरा पूरा। हाँ, ये मथुरा नहीं, ये मथुरा, ये मीठा ही ये मथुरा धाम है। कहते एक रात्रि निवास है न हरि भक्ति प्रजायते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं मथुरा में अगर एक रात कोई रुक ले, रुकने पर उसको भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। केवल एक रात केवल मथुरा में इसी तरह से निवास कर ले। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज
सारा जीवन कहाँ बद रहे बदला महाराज जी सारा जीवन मथुरा में रहकर की और कठोर साधन भजन किया महाराज जी हैं। हम महाराज जी जब सेवा करते थे हमने देखा महाराज जी 2:30-3 बजे उठ जाएंगे, उठ करके अगर आसपास में कोई सोए होंगे ना किसको बोलते हुए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जा करके अपना हाथ मुंह धो लेंगे और अपना जो खटिया है हैं गुरुदेव जिसको बड़े सोते थे आप लोग देखेंगे नहीं इतने बड़े इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए महाराज को जब ऊपर में घर बनाए प्रेमानंद प्रभु ने बोले महाराज जी आपके लिए सुंदर पलंग बना देता हूँ सुंदर सा बड़ा कर नहीं देखो कितने गुरु निष्ठा है। बोले नहीं हमें गुरुदेव रहते समय मेरे को इतने बड़े खाट दिया है हाँ गुरुदेव ने हमें इसी में शायद करने के लिए बताया इसलिए हम इसको छोड़ करके हम बड़े घर के ऊपर नहीं सुनते। इसलिए गुरुदेव सारा जीवन गुरुदेव इतने बड़े जैसे श्रीमद महाप्रभु आप पुरी में गए ना पुरी कौन कौन पुरी गए पुरी गए महाप्रभु कहाँ रहते थे गंभीरा गंभीरा कितना बड़ा है इतना बड़ा है और महाप्रभु कितने बड़े थे कितने लंबे चौड़े महाप्रभु थे हैं जिस घर में सोना भी बड़ा कठिन है हाँ लंबा करके सोना भी बड़ा कठिन महाप्रभु उसी गंभीरा में जिंदगी भर उसी गंभीरा में महाप्रभु रहे और भगवान भी भजन किए उसी तब उसी तरह से गुरुदेव भी इतने बड़े खाट के ऊपर में हैं सारा जीवन उसके ऊपर बैठ करके भजन किया हरिनाम किया क्यों बोले मेरे गुरुदेव ये खटिया को मेरे को श्री गुरुदेव ने ये खटिया हमें दिया था। इसलिए गुरुदेव मथुरा में रह करके कठोर साधन भजन किए और गुरुदेव 9 बजे से पहले हरिनाम करते थे 2:30-3 बजे से हरिनाम करते थे हैं हरिनाम करके कहीं करीब 9 बजे के अंदर में 1,00,000 नाम को गुरुदेव पूरी कर लेते थे पूरी करके फिर जा करके नाश्ता लेते थे उसको कहीं कोई नाश्ता नहीं और आरती में हैं गुरुदेव भले जितने बजे सोते आरती में गुरुदेव क्या करते थे आ करके ना सबसे पीछे खड़े हो जाते सबसे पीछे खड़े हो जाते थे और गुरुदेव ऐसे ऐसे देखते थे आरती में कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया ये आरती में कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया अगर कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे थे अगर सोए होते थे ना गुरुदेव जाकर पानी डालते थे उसको रजाई के ऊपर पानी डालते थे हैं पानी डालते थे गुरुदेव और कभी कभी सामने ब्रह्मचारी उनको बैठा करके सामने बैठा करके हरिनाम कराया करते थे हैं। इसलिए गुरुदेव बड़े कठोर साधन भजन गुरुदेव ने किया है बड़े कठोर साधन भजन गुरुदेव करके और कहाँ पर वो मथुरा में गुरुदेव सारा जीवन मथुरा में रहे और उन्होंने ऐसे साधन भजन किया कहते जो मथुरा धाम है कहते 7 पुरी है कितने पुरी है और पुरी जो खाते हैं वो पुरी नहीं है कहते भगवान का जो धाम है मतलब 7 पुरी क्या किया अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या और वाराणसी ये 7 पुरी है पुरी मतलब क्या पुर जहाँ पर भगवान का निवास है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं उसको पुरी कहते हैं ये 7 पुरी है। इसलिए 7 पुरी में कहते सबसे बड़ा पुरी क्या है कहते से मथुरा था इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पहले जिस समय श्री मथुरा देवी आती थी मथुरा देवी आने पर जितने सारे पुरी है और जितने पुरी है उनको कहा करते थे बोले श्री मथुरा पुरी आ रही है सावधान हो जाओ बोले हे काशी तुम छतरी लेकर के मथुरा देवी सब हो गए तुम छतरी लेकर के प्रस्तुत हो जाओ हे अवंतिया मथुरा देवी के लिए जुटी लेकर के तुम प्रस्तुत हो जाओ हैं काशी कांची हे कांची उनके लिए तुम पीक डाली जिसमें थूकते हैं वो पीक डाली लेकर खड़े हो जाओ हैं किसको बोलते थे तुम छतरी लेकर खड़े हो जाओ हैं। इसलिए जब मथुरा पुरी आती थी
कि जितने सारे पुरी है तो सब के सब जूती छतरी पिंडारी और उनका अम्ब्रेला ये सब के सब लेकर के मथुरा देवी की सेवा के लिए सब प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि ये जितने सारे पुरी में जो मथुरा पुरी के सर्वश्रेष्ठ है। ये क्यों ये सर्वश्रेष्ठ क्यों कारण किया बोले कारण है कि जो मथुरा में भगवान कृष्ण जन्म है, कृष्ण अजन्मा है, जिसको कृष्ण किताब में कहते हैं बोले अजो भी सर्ण अभय आत्मा भूताना भी ईश्वर विसर प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाय। भगवान कहते अजो, अजो मतलब है मेरा जन्म नहीं, लेकिन मेरा जन्म नहीं होने पर भी मैं जन्म लेता हूँ। बोले कैसे लेता हूँ बोले जोग माया पास था, कहते जोग माया को आश्रय करते हुए मैं जन्म लेता हूँ। इसलिए कहाँ कृष्ण जन्म हुए, कृष्ण कहाँ जन्म हुए कहते मथुरा में कंस का कारागार में प्रभु वहाँ पर जन्म हुए, वहाँ भगवान कृष्ण वहाँ पर कृष्ण प्रकट हुए हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण वहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर मनोहर लीला किया, जहाँ पर श्री जमुना महारानी जहाँ पर है जहाँ पर भगवान कृष्ण विश्राम किया, जहाँ पर कृष्ण वध किए, और जिस समय कृष्ण मथुरापुरी में अब विशेष करके कंस के रंगाशाला में प्रवेश किया, एक साथ में कृष्ण का शरीर में द्वादश रस प्रकट हुआ, एक साथ में 12 रस प्रकट हुआ। कहना जिसकी भावना रही जैसी हरि मूर्त देखी तिनी तैसी, जिसकी जैसे भावना थी भगवान को उन लोगों ने उसी रूप में दर्शन किया, एक साथ में द्वादश रस प्रकट हुआ। जो माताएं थी वो देख रही थी इसका तो दूध कहाँ था, तो टूटाई थी जो मातृभाव वाले थे। कहते जो व्यक्ति थे बात जो जो लोग थे स्त्री भावना युक्त देख रहे थे सख्यात अंदर कोई सख्यात नाम दे रहे, जो कंस क्या देख रहा था बोलते ये सख्यात काल है ये मृत है, और जितने बड़े बड़े जो पहले बात थे बोले तो बलवान से बलवान है ये बलवान से भी ये बलवान है। कहते जो योगी लोग थे वो देख रहे थे यही तो परतत्व है, हाँ तत्व में ये सर्वश्रेष्ठ तत्व परतत्व ये कौन है श्री कृष्ण है। इसलिए एक साथ में उनके शरीर में ये द्वादश रस एक साथ में भगवान के स्वरूप में ये प्रकट हुआ है। इसलिए कृष्ण ये मथुरा में बड़े सुंदर लीला की है। कहते ये मथुरा धाम की एक विशेषत्व है, क्या विशेषत्व कहते किसी तरह से मथुरा धाम में अगर जुड़ जाओ किसी तरह से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कहते अगर कोई शादी करके अगर मथुरा में चले गए शादी करके बाद कल्याण हो गए, अगर कोई मथुरा में इसकी उपनयन संस्कार हो गए जैनी संस्कार हो उसको द्वारा भी कल्याण हो गया, अगर इसका मुंडन संस्कार हुआ उसको द्वारा भी कल्याण हो जाएगा। यहाँ तक भी कहते अगर किसी तरह से भले ही शरीर कहीं छोड़ दिया लेकिन उसकी शरीर को अगर मथुरा में ले जाए और वहाँ पर उनको संस्कार अंतिम संस्कार वहाँ पर कर दिया जाए, हाँ अंतिम संस्कार करा दिया जाए वहीं उनको जलाया दिया जाए, तो क्योंकि मथुरा धाम दिव्य धाम है कहते वहाँ का मिट्टी में और वहाँ पर जमुना है, पहले जब उनको दाह संस्कार करते हैं वो पास में जमुना है, पहले जमुना पानी में उनको स्नान कराया जाता है, स्नान करा के फिर उनकी ये अंतिम संस्कार होता है। इसलिए किसी तरह से अगर उनका अंतिम संस्कार भी हो जाए उनको उधार मिल जाए किसी तरह से थोड़ी से जुट जाए। इसलिए ये मथुरा जो धाम है इसकी विशेष विशेष श्री मथुरा धाम की ये महिमा है। कहते मथुरा देवी कौन है बोले ये और कोई नहीं कि कृष्ण का पटराणी, लेकिन कंस उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था मथुरा में रह रहा था, लेकिन जब कृष्ण जब मथुरा में आए उनको अक्षुर लेकर के आए, जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते ही उदाहरण दिया जैसे पति आने पर पत्नी बड़े सुंदर श्रृंगार करती थी, हैं बहुत अच्छे तरह से अपना श्रृंगार करती है। अभी तक तो कंस अत्याचार कर रहा था
लेकिन जब देखा मथुरा तो मेरे प्रियतम आ गए, कृष्ण आ गए। कृष्ण को देख करके ये मथुरा इतने सुंदर उसने श्रृंगार की, इतने श्रृंगार सुंदर श्रृंगार की। कृष्ण प्रवेश करते ही श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में गर्दना करते हैं, जगह जगह पर वैसे तोरण ऐसे है, सुंदर वहाँ कलसी है, अद्भुत अद्भुत अटालिका है, रोड कितने सुंदर है, पार रखो अपने आप चलते जाओगे। बड़ा सुंदर उन्होंने मथुरा धाम की वर्णना की है। क्यों? बोले कृष्ण आ गए ना, उनका प्रियतम आ गए। इसलिए मथुरा देवी अभी तक तो दुखी थी, लेकिन अपना प्रियतम को देख के मथुरा देवी बड़ी प्रसन्न होकर कृष्ण को उन्हें स्वागत की है। बोले श्री मथुरा देवी की, बोले श्री मथुरा महारानी की, निताई गौर प्रमानंदे, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? श्री राय रामानंद संवाद है। हम इसी कोवर में राय रामानंद कौन है, ये संवाद क्या है, और ये चैतन्य चरितामृत में ये जो टॉपिक है एक विशेष टॉपिक चैतन्य चरितामृत में। इसलिए महाराज गुरुदेव बताया करते थे, जब तक आप ये राय रामानंद संवाद को नहीं पढ़ते हो, आप जो गौड़ी वैष्णव हम कहते हैं, महाप्रभु धारा में कहते हैं, और महाप्रभु जगत में क्यों आए और महाप्रभु जगत में क्या देना चाहते हैं, हमारी गौड़ीय वैष्णव का संप्रदाय का क्या विशेषत्व है, और भी तो वैष्णव संप्रदाय और चार संप्रदाय है, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय है। यदि ये संप्रदाय में भी कहीं कहीं राधा कृष्ण की, जैसे निवार्त संप्रदाय में भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, किसी संप्रदाय में नरसिंहदेव, किसी संप्रदाय में रुक्मिणी कृष्ण, कहीं लक्ष्मी नारायण, इनको उपासना करते हैं। लेकिन ये हमारी संप्रदाय का क्या विशेषत्व है? महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन एक बार आकर के वो जो दुर्लभ प्रेम को प्रदान किए हैं, कहते ये दुर्लभ प्रेम है क्या चीज, और हमारी संप्रदाय इतने महत्व क्यों है? कहते गुरुदेव कहते थे, जब तक आप ये राय रामानंद संवाद नहीं पढ़ते ना, तब तक अपना संप्रदाय के महत्व को समझ नहीं सकते। इसलिए ये जो टॉपिक है हमारी संप्रदाय में एक विशेष विशेष महत्व रखना है, हैं? इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब गए, कहाँ पर गए? गोदावरी नदी, दक्षिण देश में श्री राय रामानंद से मिले, और कैसे मिले कल हम लोग ने श्रवण किया। जब महाप्रभु और श्री राय रामानंद एकत्रित हुए, तब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, और उत्तर कौन दे रहे हैं? कहते कौन उत्तर दे रहे हैं? महाप्रभु प्रश्न करते हैं और राय रामानंद उत्तर देते हैं। बोले गीता क्या है? बोले गीता अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्ण उत्तर देते हैं। और ये इसमें क्या है? यहाँ पर स्वयं भगवान प्रश्न कर रहे हैं और भक्त उत्तर दे रहे हैं। इसलिए ये भक्त उत्तर दे रहे हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा महत्व है। भगवान कथा से भी भक्त का कथा जो कितना महत्व है। इसलिए इनका पहला जो प्रश्न है, कह राय साध्य निर्णय, आप लोग ध्यान देकर सुनो, मैं कल कर सुनूंगा, ठीक है? मन देकर सुनो। यहाँ पर एक स्टेप बाई स्टेप ले जाएगी, बल्कि एक से दूसरे श्रेष्ठ क्यों, दूसरे से तीसरे श्रेष्ठ क्यों, तीसरे से चौथे श्रेष्ठ क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छे तरह से मन लगा कर सुनो, ठीक है ना? इसलिए महाप्रभु का पहला प्रश्न है, कह राय साध्य निर्णय। कहते रामानंद तुम साध्य मतलब होता है ये जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, और हम जीवन में वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे साधन भजन करें। जब उन्होंने ये प्रश्न की, तब उसका उत्तर राय रामानंद ने बोले, प्रभु स्वधर्म आचरण कृष्ण भक्ति। अगर अपना निज धर्म को अगर कोई आचरण करेगा, लेकिन इसको भगवत भक्ति की प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब उन्हें बंगला भाषा में उत्तर दिया, वो बंगला भाषा में उत्तर दिया, महाप्रभु बोले नहीं,
ये शास्त्र में कहाँ पर बताया तुम ये बताओ, श्लोक बताओ। इसलिए महाप्रभु का जो विचार है सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन, मतलब है जब कोई बात बताओ मैं बता रहा हूँ नहीं, हमारे गीता में क्या कह रहे हैं, भागवत में क्या कहते हैं, पुराण में क्या कहता है, वेद में क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, ब्रह्मसूत्र में क्या कहता है, वहाँ से कोटेशन करो। क्योंकि जितने ग्रंथों को सिर्फ व्यास देव जी ने रचना की, कहते व्यास देव कौन, बोले व्यास नारायण स्वयं, बोले धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म को आप और मैंने ये धर्म नहीं बनाया, ये धर्म को किसने बनाया, ये भगवान को द्वारा ही ये धर्म भगवान को द्वारा स्थापन की गई है, भगवान स्वयं व्यास देव रूप में ये सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की है। इसलिए तुम बताओ शास्त्र में कहाँ पर बता रहे हैं, ये बंगला नहीं चलेगा, संस्कृत में बताओ कौन सा शास्त्र में इस विषय पर बताए। जब उन्होंने ये बात बताया ना, फिर उन्होंने शास्त्र से फिर उन्होंने श्लोक बताए, बोले वर्णाश्रम आचार्य बता पुरुषे न पर कुमार विष्णु आराध्यपंथा नान तत्र सकार। तो उन्होंने विष्णु पुराण से एक श्लोक भी लेकर बताए, बोले देखो इसमें कहते वर्णाश्रम आचरण बता, इसलिए पुरुष को अपना वर्ण और आश्रम, कहते चार वर्ण और चार आश्रम, बोले चार वर्ण क्या है, बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण। कहते चार आश्रम क्या, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी। इसलिए कहते ये वर्ण आश्रम को किसने सृष्टि की, ये वर्ण आश्रम जो केवल हमारे भारत में ना, ये वर्ण आश्रम केवल भारत में और कहीं नहीं लिखे, कहीं नहीं ये वर्ण आश्रम लिखे, केवल हमारे ये भारत में ये वर्ण आश्रम, इसलिए ये भारत भूमि को ना ये पुण्य भूमि मानी गई, भारत भूमि को पुण्य भूमि मानी गई। जितने तीर्थ देखो कहाँ पर है, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गोदावरी हैं, और जितने सारे धाम हैं, इसलिए चार धाम जगन्नाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुना फिर महाराज ले जाए, क्या चार नाथ ले जाए, चार नाथ ले जाए महाराज, इसलिए ये जितने सब कहाँ पर है, सबके सब ये सब भारत में हैं, ये सारे के सारे भारत में, जितने भगवान जन्म हुए मत्स्य कुरुम बराह नृसिंग बामन परशुराम राम बल कहाँ पर सबके सब बन गए, सब भारत में जन्म हुए। अरे भारत में ही वर्ण आश्रम सब कहाँ पर है, कहते भारत में ही ये वर्ण आश्रम केवल ये भारत में है, इसलिए कहते ये सारे आश्रम को किसने बनाया, कहते भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम, ये जो चार वर्ण आश्रम मया सृष्टम मतलब मेरे द्वारा ही ये सृष्टि की गई है, हैं? इसलिए धीरे 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 हैं कैसे जीव धीरे 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 भक्ति जगत में बढ़े, हैं धीरे धीरे कैसे भक्ति जगत में बढ़े, इसलिए भगवान ने ये सारे आश्रम और सारे वर्ण को भगवान ने इस सारे चीज को ठाकुर जी ने बनाया है, हाँ जीव के कल्याण करने के लिए ठाकुर जी इसको बनना है। इसलिए श्री रायरामन कहते हैं बोले प्रभु अगर कोई व्यक्ति अपना वर्ण और आश्रम में रह करके अगर अपना धर्म को जिस जिस वर्ण और जिस जिस आश्रम में जन्म लिया अगर उसको कोई सही सही पालन करे ना, एक दिन भगवान को संतुष्ट होता है, भगवान उसी से ही एक दिन संतुष्ट हो जाएगा, हैं। इसलिए जैसे पहला ब्राह्मण कहते ब्राह्मण का धर्म क्या है, बोले पूजा सेवा करना, पूजा सेवा करना वेद अध्ययन करना, ये ठाकुर को पूजा ये होती ब्राह्मण का धर्म। क्षत्रिय का धर्म क्या, शौर्य वीर्य युद्ध करना उनका भी स्वभाव है, कहते और वैश्य का इसका व्यवसाय करना बिजनेस करना है उसकी ये सब काम है, बोले शूद्र का धर्म क्या, बोले ये जो तीन वर्ण हैं इनकी सेवा करना ये शूद्र का वर्ण है। इसलिए भगवान के लिए चार वर्ण चार आश्रम मैंने सृष्टि की, लेकिन भारत में अभी क्या हुआ,
जो चार वर्ण और जो चार आश्रम हैं, लेकिन भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम तद गुण कर्म विभाग से, कहते ये चीज को स्थिर कैसे करनी चाहिए। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग से, उसका गुण और कर्म को देखे, गुण और कर्म को देखे, जिसका अंदर जो गुण है वो गुण उसका कर्म को देख कर विवेचना करनी चाहिए, फिर सही होता है। जैसे जैसे आप लोग हैं, गले में कंठित बैठो, तिलक लगा रहे, भगवान की नाम कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कहते भले ही आप दूसरे जन्म वर्ण में क्यों जन्म क्यों नहीं हो, लेकिन आपके अंदर में जो भक्ति पूजा पाठ है ना, कहते इसका अंदर आता है, ये केवल ब्राह्मण का अंदर में ही ये चीज केवल ब्राह्मण में दिखता है, सब लोगों का अंदर में चीज नहीं होता है, सबका अंदर में चीज नहीं होती है। जैसे वो फ्रांस से आए, वो कहाँ से आए, ब्राजील से आए, लेकिन सब तिलक कंठी माला पहने, यद्यपि वो भले ही वो दूसरे देश में आए, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण है, ये सब ब्राह्मण है, लेकिन कोई एक ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, लेकिन खाता है मांस, पीता है मांस, खाता है पीता है, कहते वो ब्राह्मण नहीं, भले ही वो ब्राह्मण कुल में कोई जन्म हुआ हो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा शूद्र, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण कहने का लायक नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभाग स, ये गुण और कर्म को द्वारा निर्पण करने चाहिए, जन्म से नहीं। इसलिए भागवत में कथा दी है एक जाबाल सत्य का, सत्यकाम जाबाल, हाँ सत्यकाम जाबाल, ब्रज राधा रमण लाल की जय। कहते सत्यकाम जाबाल, उसने गुरु जी के घर में पढ़ने के लिए गए, विद्या अध्ययन करने के लिए गए, जब गए तब गुरु जी ने पूछा बेटा ये बताओ तुम कौन से धरती से जन्म हुए हो, तुम्हारी वर्ण क्या है। लेकिन उसने एकदम सही बात उत्तर दी, बोले मैं अपना मैया को मैं पूछ कर आता हूँ। वो गया अपना मैया से पूछा, बोले माँ हमें गुरुदेव प्रश्न किया कि मैं कौन सा कुल जाति में मेरी जन्म हुई है। उसको मैया ने वो भी सच बात बता दी, बोले बेटा तू जो मेरे गर्भ में हुई ना, मैंने बहुत पुरुषों को मैंने सेवा की है, बहुत पुरुषों के पास भी मैंने गया सेवा की, अभी किसकी औरत से तेरा जन्म हुआ कि मेरे को ठीक से पता नहीं बेटा, मैया सही बात बता दी। तब जब वो गुरु जी के पास में आया, वो माता ने जो बात बताया था ना उसने गुरुदेव को वही सीधा बता दिया, जब बता दिया सीधा, गुरुदेव ने कहा बेटा तू ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण का अंदर में ही ये गुण होता है सच बोलना, ये ब्राह्मण के अंदर में। अगर किसको माँ बोले किस पुरुष से तू हुए हो, बेटा क्यों जाकर बोलेगा, कितने शर्मी का बात, कितने लज्जा की बात, लेकिन उन्होंने सच बात बोला, बोले बेटा तू ब्राह्मण घर में तेरे जन्म, इसलिए गुण कर्म से निर्माण होता था है। इसलिए आप जितने जितने आप ऋषि मुनियों का बात सुनना, कोई भी ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुई, वशिष्ठ ये ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुई, ये कुंभ से जन्म हुई, कलश से, कहते से ऋषभ सिंह की ये कहाँ से जन्म हुए हैं, इनका सिंह था, कहते ये हिरण का पेड़ से जन्म हुए हैं, कहते विश्वामित्र ये ब्राह्मण नहीं है, ये राजा थे, लेकिन तपस्या करके अपना ब्राह्मणत्व तो, वो तपस्या करके उन्होंने प्राप्त हुए। इसलिए आप जितने ऋषि मुनियों का नाम लोगे बड़े बड़े, ये कोई भी ब्राह्मण घर में एक भी जन्म नहीं हुए, लेकिन इनका कर्म था ब्राह्मण, इसलिए शास्त्र में इनको ब्राह्मण बताया गया। इसलिए कर्म होनी चाहिए हमारी सही है, कर्म होनी चाहिए हमारी सही। इसलिए हमारे श्री देख हनुमान जी कौन सा कुल में जन्म हुए, बंदर, बंदर है, लेकिन हनुमान जी ब्राह्मण, सबरी सबरी जाति में जन्म हुए वो ब्राह्मण ही। इसलिए मूल है भगवान की भक्ति, बोले जय कुले के न जन्म ना है केवल भक्ति है। इसलिए श्री प्रभुपाद आकर के ना जगत में प्रभुपाद आकर के उनने दैव वर्णाश्रम को स्थापन किया, बोले दैव वर्णाश्रम मतलब किया है, बोले जिस कुल में भले ही जन्म क्यों नहीं हो, जिसकी अंदर में जो गुण है वो गुण को देख कर निर्पण,
जैसे हमारे ब्रह्मचारी, देखो ब्रह्मचारी ये ठाकुर को पूजा कर रहा है, जैसे महाराज जी पूजा करते हैं, हैं महाराज जी हमारे, लेकिन ये ब्राह्मण कुल में नहीं जन्म हुए हैं, ये और किस किस कुल में जन्म हुए। इसलिए बोले जन्म दो तरह का है, एक है जातिगत ब्राह्मण जैसे किसी कुल में जन्म हुआ, और एक है दक्ष सावित्री ब्राह्मण, मतलब दीक्षा मंत्र के द्वारा उनको पवित्र करके, उनको जनेय संस्कार दे करके पवित्र करके उनको ब्राह्मणत्व की प्रदान की जाती है। इसलिए दक्ष सावित्री जो ब्राह्मण है दीक्षा के द्वारा जो जन्म का परिवर्तन कराते हैं दीक्षा के द्वारा, क्योंकि ये ब्राह्मण है। इसलिए भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म हुए नहीं, लेकिन जब भगवान भजन में आए, गले में कंठी तिलक माला और भगवान के भजन किए, उनको गुरुदेव विद्या का संस्कार करके यज्ञ करके उनको उपनयन देकर उनको मैंने ब्राह्मण बना दिया। इसलिए यहाँ पर श्री रायरा मंत्र कहते हैं, बोले प्रभु अगर कोई अपना जीवन में जिस जिस वर्ण और जिस जिस आश्रम में जन्म ग्रहण किया, अगर उसी उसी वर्ण और आश्रम को अगर सही सही कोई अगर कोई पालन करता है सही सही, उसको एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु को जो उन्होंने जब प्रश्न किया, महाप्रभु ने कहाँ से शुरू किया, बोले ये दैव वर्णाश्रम से, ये वर्ण आश्रम से शुरू किया। बोले क्यों ऐसे कारण किया, बोले कारण है अगर भगवत भक्ति में तुम धीरे धीरे प्रवेश करना चाहते हो, जब तक तुम नियम कानून को पालन नहीं करोगे, जब तक कोई जीव सदाचार प्रारंभ नहीं करता है ना, तो भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। उल्टा पुल्टा जो कुछ होगा मन में करोगे, आप बोले भगवान की भक्ति करूंगा, बोले नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए तुम्हारी वर्ण आश्रम में रह करके शास्त्र में जैसे जैसे बताया गया उसको ठीक ठीक से पालन करो। पालन करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 तुमको उन्नति होगा, धीरे 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 तुम भगवान के पास में पहुंच जाओगे विश्रीखला तो द्वारा है। इसलिए पंचरात्र विध विधि बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पाद रे वो केवल, वहाँ पर बताए हैं क्या पहला श्लोक पंचरात्र विधि बिना। इसलिए एकांतिक हरि भक्ति अगर तुमने शास्त्र में जो विधि विधान बताया उसको पालन नहीं किया, नवरात्र नहीं माना, इसलिए उल्टा पुल्टा जो कुछ करोगे बोले ये उत्पाद है, ये भक्ति भक्ति नहीं। इसलिए हमें शास्त्र की विधि के अनुरूप हमें चलनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये बात बताई, महाप्रभु ने कहा देखो तुमने जो बात बताई है ना, यदि ये बाहर का विषय है, कुछ कुछ और कुछ आगे की बात बता, यहाँ तो से सुर होगी भक्ति, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के बाहर है, उसको और ऊपर कुछ बता। जब उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया जीवन में जो कुछ करते हैं, बोले जत करो से जत सांसी जत जोर से तदा से जत जत तपस्वी कौनते तत्कुल समर्पण, बोले जीवन में जो कुछ करते हो हैं जत करो सी जो कुछ ग्रहण करते हो हैं जो स्नासित किया करो, सब कुछ भगवान को अर्पण करो, ठाकुर जी के लिए करो, भगवान को सब कुछ अर्पण करो, कभी ये भक्ति। जब बोले अभी यहाँ प्रश्न आता है महाप्रभु तो बाहर क्यों बताते हैं, बता दिया पहला उत्तर दिया, अगर स्वधर्म का पालन करोगे तुम भगवान को प्राप्त कर सकते, लेकिन महाप्रभु उसको बाह्य बोल दिया, बोले ये अंदर की बात की बाहर की बात बोल दी, इसका कारण क्या, इसमें कुछ कुछ पॉइंट बताया है, हम लोग कोशिश करना है पॉइंट को याद करने में, कहते इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बाहर करवा दिया। कहते जो जीव है ना, बोले जीवन स्वरूप है कृष्ण ललित दास, जीव का जो स्वरूप है हम कौन है, भगवान के नित्य दास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, ये अमल है ये पवित्र है। इसलिए हम सबके सब कौन है, भगवान के नित्य सेवक है, भगवान की भक्त है, इसलिए उनकी भक्ति ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। लेकिन महाप्रभु ने फिर इनको बाहर क्यों बोल दिया, बोले कारण है
अगर किसी ने ये दैव वर्णाश्रम को कोई पालन करे तो बोले कहाँ तक आप जा सकते हो। इसलिए हमारे पुराण में बताया स्वधर्म निष्ठा सत जन्म विभुमा ब्रह्मा, जिस वर्ण और जिस आश्रम में जन्म लिए अगर स जन्म तक इसको बढ़िया से भी पालन करे, एक जन्म नहीं, इसको स जन्म तक अगर ये वर्ण आश्रम को पालन करो फिर जाओगे कहाँ तक, बोले ब्रह्म पद को प्राप्त, ब्रह्मा बनो। लेकिन ब्रह्मा बनने पर क्या होगा, कृष्ण गीता में कहते हैं आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ति न अर्जुन माम उपतुते पुनर्जन्म न विद्यते। बोले हे अर्जुन, अगर कोई वर्णाश्रम का धर्म पालन करे, दान पुण्य सब कुछ करे, अगर ये ब्रह्म लोक अगर प्राप्त होगा तो फिर फल क्या होगा, बोले खिन्नम पुण्यम वर्तलभम। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर उसको वहां से फिर लेने का, फिर उसके संसार में आना पड़ेगा, फिर कोई कर्म चक्र में तेरे को फिर भटकना पड़ेगा, जन्म मृत्यु का चक्र से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, है नहीं मिलेगी। इसलिए और कहती ये स्वधर्म जाचन करने से जीव क्या करेगा, बोले इसी जो चौदह ब्रह्मांड है ना इसको अंदर में ही घूम करेगा, इसको अंदर में घूमते रहेगा, इसको बाहर नहीं जा सकता है, इसके अंदर में ही तुम घूमते रह जाओगे। इसलिए अब ये जो चीज है ये भगवान को लक्ष्य नहीं करता, इसमें वर्ण और आश्रम से ये भगवान के साथ में कोई मतलब ही नहीं, भगवान के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मांड के अंदर की बात और भगवत धाम की बात नहीं, भगवान की भक्ति की बात नहीं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोल दिया कि ये बाहर का विषय ये अंदर के विषय नहीं। इसलिए और आगे की बात बताओ, जब उन्होंने और आगे की बात उन्होंने बताए बोले तो उन्होंने जो दूसरा जो श्लोक बताए बोले जल करो सी, मान तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ ग्रहण करते हो, जो कुछ खाते हो, क्या अगर बोले तत् पुरुष मद अर्पणम, सब कुछ भगवान को अर्पण कर, कहते वहां से इसमें श्रेष्ठत्व तो क्या है, बोले वहां पर तो भगवान को लक्ष्य नहीं कर रहा था लेकिन इसमें ये भगवान को लक्ष्य कर रहे हैं। तत्पुरुष मद अर्पणम, कृष्ण कहते हैं वो सब कुछ मुझे अर्पण करो, तो यहाँ पर लक्ष्य किसको किया है, भगवान को अर्पण करो, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान नित्य सेवक है, इसलिए ये लक्ष्य कर रहा है, भगवान को लक्ष्य कर रहे हैं, इसलिए उससे ये श्रेष्ठ है। महाप्रभु बोले हाँ ये बात हमने कुछ बताया, ये सही तो बताया, लेकिन ये भी जीव का चरम लक्ष्य नहीं, ये भी जीव की चरम लक्ष्य नहीं, ये भी जीव का लक्ष्य नहीं है, इसलिए यह राज्य और आगे कहाँ था, इसके और आगे कुछ बात हो। अभी यहाँ प्रश्न होता है, फिर महाप्रभु इसको बाह्य क्यों बोल दिया, ये बाहर का विषय क्यों बोल दिया, फिर इसका कारण क्या, बोले इसका कारण बता रहे, कहते तुम जो कुछ करते खाते पीते जो कुछ करते हो ना उसको भगवान को अर्पण करो, कहते ये जो भक्ति है ना ये प्योर भक्ति नहीं है, ये कर्म मिश्रा भक्ति हो गई, पहले तो खुद कर्म बने गया, करने वाला कौन हूँ, मैं करने वाला मैं हूँ, हैं इसलिए इसे मैं हो गया, इसलिए बकरी मैं करता इसलिए बनता है, इसलिए करने वाला मैं हूँ, खाने वाला मैं हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, और सब कुछ करके ना जा करके किया क्या, बोले प्रभु मैंने जो कुछ किया है ना क्या तेरे चीज तेरे को अर्पण है, पहले तो तुम कर्ता बन गए, कर्ता बन करके फिर भगवान को तुम अर्पण कर रहे हो, इसलिए इसको शुद्ध भक्ति नहीं बता रहे, बोले शुद्ध भक्ति इसको कहते हैं। जब श्री हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को जो प्रश्न किया, बोले बेटा ये बताओ तेरे गुरु जी ने तुमको क्या श्रेष्ठ विद्या पढ़ाएगा, तुमने क्या गुरु जी से सीखे हो जो श्रेष्ठ विद्या, तुम उत्तम विद्या की बात बताओ। तो प्रह्लाद महाराज कहते हैं बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुरुषार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतन लक्षणा क्रियते भगवत अध्याय तन्मनेतम। बोले पिताजी देखो शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं,
पहले पहले हम करके वो चीज को अर्पण नहीं, पहले तुम गुरु जी की शरण में जाओ, पहले गुरु जी के चरण में समर्पित हो जाओ, फिर उसके बाद में फिर ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण समर्पित हो जाओ। आज से मैं अपना नहीं, मैं किसका है, मैं ठाकुर जी का हूँ। आज से मैं गुरु जी के चरण में बिक गया हूँ, जैसे ठाकुर जी के चरण में बिक गया। जैसे एक गैया है, एक गैया है, अब देखना जैसे आपसे मैं कोई गैया खरीद दिया, जब मैंने पैसा देकर गैया खरीद दिया ना, वो गैया मेरी हो गई। अभी जो इच्छा मैं उसको वही कर सकता हूँ, बांध कर खूंटा में रख सकता हूँ, नहीं इसको उसको छोड़ सकता हूँ। देखना हम जो करेंगे गैया वही करेंगे, क्योंकि उन्हें खरीद कर दिया। फिर उसी तरह पहले गुरु जी और ठाकुर जी के चरण में सर्वप्रथम खुद उनको समर्पित कर दो। आज से हम अपना नहीं रह गए, आज से हम गुरु जी की, आज से हम ठाकुर जी की हो गए। जब तुम ठाकुर जी की हो गए, गुरु जी की हो गए, फिर तुमको क्या करनी चाहिए? जैसे पहले कृतदास, पहले कृतदास कहता था, कृतदास मतलब पैसा देकर पूरा पूरा उसको खर्च खर्च लेते हैं, पूरा जीवन भर पहले उसका हो गया। जब वो इसकी हो गया फिर क्या करना पड़ेगा? वो जो बोलेगा अभी तो इसकी हो गई। फिर उसी तरह हमें क्या करने चाहिए? पहले संपूर्ण रूप में गुरु जी ठाकुर जी चरण में समर्पित हो जाओ। समर्थ आज से हम ठाकुर जी हो गए, बोले आमी तो तुमार तुम्ही तो हमार की काज अपरदान। बोले प्रभु आज से मैं आपका हो गया और आप मेरे हो गए हो। आप जब मेरे में आपका हो गया, फिर जो कुछ करूँगा आपके लिए करूँगा ना, ठाकुर जी के लिए करेंगे। इसलिए इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। ऐसे नहीं पहले स्वयं करे करता हमें फिर ये चीज का ठाकुर को देख रहे, ये हो गया कर्म निष्ठा भक्ति हो गया, ये शुद्ध भक्ति नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले, बोले नहीं ये लक्ष्य विषय नहीं, ये वाह्य। इसलिए आगे कहा उसको, आगे की बात बताओ। तो उन्होंने आगे की बात बताए, क्या श्लोक है? बोले मैया दिष्टा न भी सका सर्वान संत्यज जो माम भजे सबसे उत्तम। फिर इसको ऊपर आगे बोले, बोले देखो आज्ञा एवं गुणान दुषान मैया दिष्टा न भी सका। भगवान ने गीता में बात शास्त्र में जो जो बात भगवान ने बताया, ऐसे नहीं भगवान बताए इसलिए करें, भगवान बोले ये बात ना इसलिए हम करें, बोले नहीं ये उत्तम भक्ति नहीं। भगवान ने जो जो बात बताए उसको ऊपर में विचार कर, जैसे कृष्ण गीता में कर्म की बात, ज्ञान की बात, योग की बात करते हैं, इसलिए क्या हम फिर करना शुरू कर दे, कर्म करना शुरू कर दे, योग करना शुरू कर दे? बोले नहीं, पहले तुम विचार करो ये चीज को। हाँ ये चीज को तुम विचार करो, देखो ऐसे बिजनेस करोगे तो ये प्रॉफिट होगा, ये बिजनेस करोगे तो ये लाभ है, ये बिजनेस करोगे तो ये लाभ है। फिर आप कौन सा बिजनेस करेंगे? सबसे जो बढ़िया लाभ है, सबसे जो बढ़िया लाभ है। इसलिए भगवान ने सारे बात को तो बता दिए, लेकिन जो भगवान ने बात बताए उसको ऊपर में भी उसमें क्या गुण है और उसमें क्या दोष है, ये चीज को विचार करो। इसलिए भगवान बोले इसलिए करना, कर दे नहीं। ये कृष्ण गीता में तो इस श्लोक में बताए जत कर जत स्नासी भगव, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए इसका भगवान बोले इसलिए कर बोले नहीं, इसको गुण दोष पहले विचार करो। विचार करके जो करते हैं कहते ये उत्तम भक्ति ये है। लेकिन जब उन्होंने ये बात को बताए फिर महाप्रभु इसको भी बाह्य कर देते हैं, कहते ये भी बाहर का विषय है। हाँ उसको अगर हो आगे और कुछ बात होना, आगे की बात बताओ। फिर उन्होंने ज्ञान, हाँ फिर भगवान, फिर उन्होंने बताए ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न स्वचिंती न कांखस्ती समा सर्वेशु मद भक्ति लगत। उन्होंने फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात बताई। बोले जो ब्रह्म में जो स्थित होते हैं, हाँ जो ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं वो प्रसन्न आत्मा, वास अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि वास, प्रसन्न आत्मा होकर के न स्वचंती न कांखती, कोई चीज को सोचते नहीं, कोई चीज उनकी इच्छा भी नहीं रहती है। सम सर्वेश भूतेषु सबक अंदर में बराबर देखते हैं, सबक अंदर बराबर सबको देखते हैं, सब समय से सत मत भक्ति
लभे के प्राप्त हुए, वो व्यक्ति है तीन भक्ति को लाभ करते हैं, लेकिन ये ज्ञान मिश्रा भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं। लेकिन ज्ञान तो करा भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान केवल भक्ति को द्वारा मिलते हैं। इसको पर भी बड़े सुंदर सुंदर गीता बताए, लेकिन महाप्रभु इसको भी बोल दिया ये बाहर का विषय और कुछ बोल। अभी महाप्रभु जो राय रावण को जो उत्तर दे रहे हैं इसको सुन करके महाप्रभु बोले ये हाय, अभी महाप्रभु कहेंगे हाँ अभी तुम लाइन पर आए, अभी तुमने लाइन पर आए। बोले क्या बोले, बोले ज्ञानी प्रयास नमंत एव जीवती सन्मुखरीतं भवदीय वार्तां स्थानीय स्थितां श्रुतिगतां तन्वाहं मनोभि जे प्रायस अजीत जितोपि स्थैर्यं। यहाँ पर भगवान ने बताया भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब जिनको जितना, जिनको पाना बहुत कठिन, जिनको पाना ब्रह्मा शंभु अमर पति गणेशा जिनके चरणों को बड़े बड़े देव महेश सुरेश गणेश सुरेश और चाहे निरंतर जामे, लेकिन भगवान कोई पता नहीं पाते हैं। बोले यद्यपि समाज इस विधि भी पश्यति न तब न खाकर मरीचि, यद्यपि ब्रह्मा कितने साल से कठोर तपस्या करते हैं ठाकुर को पाने के लिए न तब न खाकर मरीचि, उनके नख की छटा तक भी दर्शन करना कठिन है। इसलिए भगवान का नाम अजीत है, लेकिन अजित तो है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते ऐसे जो अजित है जिनको पाना बहुत कठिन, लेकिन कैसे उसको पा सकते हो। बोले ज्ञान है प्रयास मधुपास्य, जो ज्ञान का जो प्रयास है ना इसको संपूर्ण रूप में त्याग दो। ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, इसलिए भागवत में बताए जे अपनी अरविंदाद से विमुक्त मानी ना, कहते जो भगवान की चरण कमल को छोड़ करके और बहुत कठोर तपस्या करके, बोले आरुच कृष्ण न बहुत कठोर साधन करके बड़ी उच्च पद को प्राप्त किए ज्ञानी लोग, लेकिन चूंकि भगवान के चरण को अनादर करने का नाते तब तो पतन किया था, उनको भी वहां से पतन होता है और ज्ञानी भी पतन होता है। ये ज्ञानी भी पतन होते हैं और ज्ञानी से भगवान नहीं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची, ये जो भुक्ति और जो मुक्ति, भोग और जो मुक्ति, कैसे उन्होंने बताया स्प्रिया पिशाची, ये एक पिशाच जैसे हैं, पिशाच जैसे सब कुछ निगल लेती हैं, इसलिए ये भुक्ति मुक्ति जो चीज है ये पिशाच की बराबर है। इसलिए कि ये दोनों चीज को छोड़ करके हैं, इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए तब भगवान संतुष्ट होते हैं। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाच जावत हृदय वर्तते तावत कृष्ण भक्ति सुखस्य कथम अद्भुतय भवेत, अगर ये चीज रहे तो भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए बोले भैया ज्ञान का प्रयास संपूर्ण मुद्पास्य, संपूर्ण ये चीज को त्याग दो। त्याग दे करके श्रील विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कहते एक तो ब्रह्म ज्ञान को त्याग देनी चाहिए, लेकिन जो तत्व ज्ञान को भी त्याग दो। तत्व ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। हरि प्रश्न करते हैं कहते आप कहते हो ज्ञान प्रयास, ज्ञान का चेष्टा मत करो, लेकिन शास्त्र कहते हैं बगैर ज्ञान की मुक्ति नहीं होती, बगैर ज्ञान मुक्ति नहीं होती। इसलिए भक्ति के दो बेटे थे, कौन कौन है, ज्ञान वैराग्य, ये भक्ति के दो बेटे थे, उनका दो बेटे। कहते यहाँ पर जो ज्ञान बताया ना ये भक्ति संबंधी युक्त ज्ञान है, जो भक्ति को बढ़ाने वाले ज्ञान है, ये शुष्क ज्ञान नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं, जैसे हम कथा सुन रहे हैं ये भी तो ज्ञान है, लेकिन ये भक्ति की बढ़ाने वाले ज्ञान है, ये कोई ऐसे साधारण कोई ये ज्ञान नहीं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप दो चार मिनट रुक सकते हैं। इसलिए कहते ये भक्ति युक्त ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, बोले ज्ञान प्रयास मधुपास्य, इसलिए ज्ञान का जो प्रयास संपूर्ण त्याग कैसे भक्ति होगा। कहते नमंत एव जीवन्ति सन्मुख रीत भवति वार्तां, बोले करेंगे क्या, बोले जब भक्तों की मुखार भीतर से जब कथा सुनोगे
ये कथा सुनते सुनते ना अपने आप तुमको ज्ञान मिल जाए। अलौकिक ज्ञान को, अलग किसी ज्ञान को हम संग्रह करके भक्ति करें बोले जरूरत नहीं। जैसे हमारे भक्ति प्रदास नारायण गोसाई महाराज जब महाराज की मथुरा में क्लास करते थे, अगर कोई ध्यान केवल उनकी कथा सुन लेना, कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं, इतने गुरुदेव इतनी अच्छी अच्छी, केवल उनकी कथा को ध्यान से कोई सुन लिया वो अभी बड़े बड़े पंडित हो, बड़े बड़े लेक्चर थे सारा दुनिया में भक्ति प्रचार। हम लोग जैसे हम कहाँ से सीखे, बोले गुरुदेव से कोई कथा सीख ले सकते, केवल कथा सुनते सुनते हम लोग जब सीखे। इसलिए बोले अलग रूप में कोई ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, केवल भक्तों के चरण में रहो, रह करके उनकी मुखार बिंद से कथा रूपी की मंदाकिनी की जो नदी रहती है बस उसमें केवल गोता लगा दो, उसमें केवल स्नान करते रहो। कहते स्थानीय स्थिता बहुत अच्छी बात होता है, बोले आप जो कथा सुनेंगे भजन करके कहाँ रह करके, बोले इधर उधर ज्यादा घूमो मत, मना कर देते हैं। भक्तिवर ठाकुर कहते हैं जितिन के वैष्णव नाही से तीर्थ के नहीं जाए, जहाँ पर वैष्णव नहीं, जहाँ हरिकथा नहीं है, तब वो तीर्थ में जाना कोई जरूरत नहीं। बोले किला भाटिया दुर्देश, इतने दूर चल चल कर क्या तुम्हें मिलेगा, प्यार दर्द होगा, पैसा खर्चा होगा और देने में कुछ नहीं। इसलिए भक्तिवर ठाकुर कहते जथा साधु तथा तीर्थ, बोले तीर्थ कहाँ है, बोले जहाँ पर भक्त लोग हरिकथा कहते हैं, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का सारे तीर्थ वही रहते हैं जहाँ पर भक्त लोग कथा रूपी मंदाकिनी नदी जहाँ पर रहते हैं वहीं पर सारे तीर्थ है। बोले गिरि तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन, बोले गिरिराज कहाँ और गोवर्धन कहाँ और राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ, बोले वहीं पर, बोले कहाँ पर, बोले जहाँ पर भक्तों की मुखार बिंद से कथा रूपी गंगा रह गई, अगर उसमें तुमने स्नान कर लिया ना बस सारे तीर्थ में बैठ गए वहीं पर तुम्हारे स्नान हो गई। इसलिए भक्तिवर ठाकुर कहते जे तीर्थ वैष्णव नाही, जहां पर वैष्णव का संग नहीं कथा नहीं, से तीर्थ के नाही जाए, वो तीर्थ में जाने का कोई जरूरत नहीं। कि लाभ हटिया दुर्देश, पत्र इतना दूर चल चल कर कोई लाभ नहीं, प्यार डर होगा, पैसा खर्चा होगा, देखोगे जीरो है, वो जीरो है। इसलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इस लोग ब्रह्मा जी कृष्ण चित्त में कहते हैं, बोले भैया प्रभुपाद कहते हैं तीर्थ कहाँ पर, बोले जहाँ हरि कथा सीखन के, बोले जहाँ पर हरि कथा ना वहीं पर सारे तीर्थ है, वहीं पर सारे तीर्थ कहा नहीं। अब लोग हरिद्वार में गए ना, गए हरिद्वार में गए होंगे, वहाँ एक हरि हरि की पौड़ी है, आप देखना वहाँ लिखा हुआ सात धार, जो बड़ी तेज गंगा धार बह रही है, अगर थोड़ी सी अंदर में जाओगे ना गोता लगे तो पूरा चले जाओगे, मतलब इतने तेज, सावधान अंदर में मत जाओ, बड़ी गहरी गई है। देखो अगर गंगा में अगर ज़्यादा अंदर में चला डूब गए तो क्या मर जाओगे, लेकिन आपने कभी कथा सुने जो कथा रूपी गंगा में ज़्यादा गोता मतलब आप डूब जाओगे, लेकिन सब जगह कहते हैं भैया जितने हो सके कथा रूपी गंगा में जितने गोता लगा सकते हैं ना उतना ही तर जाओगे, मरोगे नहीं, तैर जाओगे तो हैं। इसलिए कभी नहीं बताया कथा रूपी गंगा में ज़्यादा गोता मत लगाओ। इसलिए यहाँ पर कहते स्थानीय स्थिता, मतलब ज़्यादा तीर्थ में मत घुमा कर मना कर दिए, बोले क्यों जितने तीर्थ में जाओगे उतना मन, आज वहाँ गए कल वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हाँ तीर्थ में जाओ बताया, बोले क्यों, बोले चूंकि वहाँ साधु संग मिलेगा, साधु संग में हरी कथा मिलेगा, इसलिए तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन, तभी तीर्थ जाना सार्थकता है जब साधु संग हरी कथा मिले, हाँ जब साधु संग। इसलिए भक्ति मन ठाकुर बोले गौर आमार जे सब स्थाने करल ब्रह्मण रंगे से सब स्थान हरि बामी प्रणय भक्त संगे सोत भक्त चरण रेणु भजन आन ओ। इसलिए भक्ति मन ठाकुर कहते हैं जिखाने जहाँ पर वैष्णव वहाँ पर जाने जाए, स्थानीय स्थिता बोले श्रुति कथा तनुवाम मन भी, क्या करो बोले भगवान की कथा सुनो, बोले कैसे, बोले तीन चीज को दरा श्रुति कथा तनुवाम मन भी, काय मन और वाक्य से, तीनों से कथा सुनो, बोले काय मन वाक्य से, शरीर से कैसे कथा सुनेंगे, बोले मतलब है जहाँ हरी कथा हो रही वहां पर जाओ, शरीर से वहां पर बैठो,
वहाँ प्रणाम करो, वहाँ ढोल लगाओ, तान वाणी से जो कथा सुनते हो फिर घर में जाकर के दूसरों को भी कथा सुनाया करो। मन में मन में अगर नहीं सुनो तो कथा नहीं सुन सकते। अगर ये तन मान मनवी अगर इसको द्वारा अगर ऐसे कोई अगर जीवन को संपूर्ण भक्तों का संगत में हरि कथा में अगर डूबो देना कहते भगवान अजीत होने पर भी उनको नहीं पाना बहुत प्राय सब प्राय करके भगवान को पाना कठिन। अगर ऐसे कर देना भगवान अपने आप मन जाए। जब उन्होंने ये कथा बताई महाप्रभु खुश हो गए। अभी तक तो महाप्रभु कह रहे थे ये बाहर है, ये बाहर का विषय आगे बोलो, लेकिन जब उन्होंने ये श्लोक को बोले ना महाप्रभु खुश हो गए। बोले यहाँ आए बोले अभी तो लाइन में आ गए, अभी तो लाइन में आ गए। बोले क्यों क्यों बोले तुम लाइन में आ गए? बोले कारण है यहाँ साधु संघ की महिमा बताई। इसलिए शास्त्र कहता है साधु संग सर्वशास्त्र गए अल्लव मात्र साधु संग सर्वश्र गए। इसलिए भी सतसंग विवेक ना हुई राम कृपा बिनो सुलभ नाश हुई। इसलिए जब तक जीवन में साधु संग हरि कथा नहीं हो तब तक जीवन का परिवर्तन नहीं। और शास्त्र ने बताया भक्ति को भगवत भक्त संगे न कर जाए। भक्ति तो केवल भक्तों का संग से ही भक्ति मिल सकती। जब उन्होंने भक्त की महिमा बताया ना हरि कथा की महाप्रभु क्या है अभी तो लाइन पर आ गए। बोले उसका आगे बोलो, फिर आगे क्या बोलते हैं फिर हम कल सुनेंगे फिर उसका आगे क्या होता है। ठीक है पिता गौर मंदे हरि हरि को रखिए और अब एक मिनट। ठीक है बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे